जब बंदा इतना कुछ किया हो देश के लिए, 41 पीपल स्क्रैच लेस जब आपके वहाँ से निकल गए हैं और हमारे देश का भी मान बढ़ा है, तो उसका सम्मान की आवाज में हमें ये मिल रहा है। आदमी इतना सब करके जब घर बनाता है ना, और जब उसकी एक ईंट भी हिलती है तो ईंट नहीं हिलती, दिल हिलता है, सब कुछ ऐसा लगता है खत्म हो गया। In Northeast Delhi's Khajuri Khas, the Delhi Development Authority at 9 a.m. on 28th February carried out an anti-encroachment demolition drive. One of those now homeless is Vakil Hassan, a rat hole miner who was known to be involved in the rescue operation of the 41 workers trapped in Uttarkashi Silkyara Tunnel in November 2023. मेरी बीवी जो थी, मैं वो वहाँ गई हुई थी अपने बिहार में, उनकी भाभी के बच्चा हुआ था, तो मैं बाहर था। ये लोग पीछे से आए और पीछे से आने के बाद हमारे बच्चों को डराया धमकाया बहुत ज़्यादा इन लोगों ने। बच्चे डर भी गए थे हमारे, लेकिन बच्चों ने कल काफ़ी हौसला किया। उन्होंने जब इनकी व्यवहार देखा तो उन्होंने अंदर से कुंडी बंद कर ली। अब जब कुंडी बंद कर ली तो इन लोगों का लगा ये तो बदतमीजी हो गई इनके साथ में, बदतमीजी कर दी। या हमें या तो इनका रेड कारपेट बिछा के वेलकम करना चाहिए था कि आइए तोड़िए आप मकान, हमारे पास बहुत पैसा, हम और बना लेंगे। हमने ये नहीं बोला, हमने अपने घर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, तो हमसे बदतमीजी होगी। और इसी चीज़ का सिला हमें ये मिला कि हमें रोड पर ला के बैठा दिया गया। 10 बजे के करीब कुछ लोग आए थे, तो उस वक्त दरवाज़ा बंद था, लॉक नहीं था, तो उन्होंने इस तरीके से लॉक किया कि मैं डर गई। तो मैंने पहले दरवाज़ा मैंने लॉक कर दिया और फिर मैंने पूछा आप हो कौन, क्योंकि जब घर पे कोई नहीं होता तो मैं कुंडी नहीं खोलती। उस वक्त भैया भी सो रहे थे, तो कहने लगे कि हम आपके पड़ोसी हैं, हमें आपसे बात करनी है। मैं कहने लगी हमसे क्या बात करेंगे, आप पापा नहीं हैं, आप बाद में आना। कहने लगे नहीं, और फिर उन्होंने दरवाजे को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। कहने लगे कि हम आपका दरवाज़ा तोड़ देंगे अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला। तो दरवाज़ा जितना उनसे गेती से टूटा उससे तोड़ा, उसके बाद में फिर उन लोगों ने जेसीबी से दरवाज़ा तोड़ा, तो मेरी बेटी ने तो सिलेंडर खोल लिया था और बेटा ऐसे अड़ गया था दरवाजे में, जब जेसीबी से दरवाज़ा तोड़ रहे थे वो लोग। तो वो कहने लगे हट जाओ, कहने लगे कोई बात नहीं, जब हमें हमारा घर ही नहीं रहने का तो हम जी के क्या करेंगे, मार दो हमें भी। तो जैसे दरवाज़ा टूटा ना तो तुरंत वो लोग अंदर घुसे, अंदर घुसने के बाद उन्होंने बेटे को भी पीटना शुरू किया, बेटे को भी पीटा कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो, क्या अपने घर को बचाना बाधा है। जैसे मैं यहाँ पे आया, इन लोगों को बताया कि आप ये कर क्या रहे हो, आप बताइए आपके पास इस चीज़ का क्या मतलब, किस आधार पर तोड़ रहे हो। जब मैंने उनसे 2-4 क्वेश्चन किए तो वो बोलने लगे मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, तो पुलिस वाले मुझे उठा के ले गए थाने में, तभी के तभी 12 बजे। Shared with the Quint, the Delhi Development Authority said that the demolition drive was conducted to remove the encroachment from its acquired land in the Khajuri Khas village. It said that the land was part of a planned development land. उन्होंने मुझे फ़ोन भी नहीं लेने थे, मेरा फ़ोन भी टूट गया था, और तो उन्होंने मेरा दुपट्टे भी नहीं ओढ़ने दिया, तो मैं बुक्स लेकर आ, मैं बुक्स कैसे लेकर आ पाती। वो तुरंत मुझे ले गए वहाँ पर, और अब मुझे बुक्स भी नहीं मिल रही मेरी, फेल हो जाऊँगी। फेल ही हो जाता है बच्चा अगर एग्ज़ाम छूट जाता है तो, और फाइनल टर्म के एग्ज़ाम तो दोबारा नहीं दिए जाते। मुझे ऐसा लग रहा शायद इससे कुछ ना कुछ भविष्य में फ़र्क पड़ता है, जब बच्चे का कल का पेपर छूटा है, आज का पेपर छूटा है, लास्ट एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम है, तो आप समझ सकते हैं ना एक क्लास भी छूटने में कितना फ़र्क पड़ता है, और इसके 2 पेपर छूटे हैं और पता नहीं कल का भी क्या होगा, अभी तो कल का भी नहीं पता, तो इसकी पढ़ाई पे तो पूरा साल ख़त्म हो जाएगा इसका। हमें ऐसा लग रहा मौत में इतना मातम नहीं होता जितना हमारा घर बर्बाद होने में मातम होगा, और ये तुम देख के समझ सकते हो। डीडीए के कुछ अधिकारी आए थे, बोल रहे थे हमें साथ ले जाने के लिए, लेकिन मैंने बोला जब तक हमारा सही से व्यवस्था नहीं करते आप
आपने तोड़ दिया हमारी छत, ये तो हमें बना के दो, ये हमारे को व्यवस्था करके दो, हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ये मर जाएंगे हम लोग यहाँ पे। कोई बात नहीं,